हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास तौर से काफी हेल्पफुल ये हो सकता है आपके लिए अगर आपको जानना है अपने फोन का असली सच। और ये अपने फोन का असली सच आप खुद पता लगाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे तरीके जिससे आप पांच अलग अलग इंपॉर्टेंट बातें अपने फोन के बारे में पता कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी कहती है कि भाई हमारे फोन में तो बहुत बड़ी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, हमारे फोन में तो इतना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, हमारे फोन में तो फास्टर स्टोरेज लगी हुई है। अब इन सब चीजों को चेक करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके, जिससे आपको अपने स्मार्टफोन के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता चलेगी साथ साथ ये भी पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। स्मार्टफोन के अंदर जो स्टोरेज होती है वो दो तरह की होती है कॉमनली। एक होती है EMMC 5.1 जो कि थोड़ी स्लो स्टोरेज होती है जिसपे रीड राइट स्पीड थोड़ी स्लो होती है। एक होती है UFS 2.1 जो कि आजकल के फोन्स में आ रही है, कुछ फोन्स में देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपके फोन में फास्टेस्ट स्टोरेज है UFS वाली या फिर EMMC है पुराने वाली, ये कैसे आप पता लगाएंगे। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एंड्रो बेंच, ये बेसिकली स्टोरेज का बेंचमार्किंग करती है। जब आप इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, बेंचमार्क रन करते हैं, तो फुल बेंचमार्क रन करने के बाद आपको रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है। तो अगर आपके स्टोरेज की रीड स्पीड 700 Mbps या उससे ऊपर आती है, यानी कि आपके फोन में फास्टर स्टोरेज है UFS 2.1, अगर वो उससे कम स्कोर आता है यानी कि 300 से 500 के बीच में आता है, तो उस केस में आपके फोन के अंदर लगी है EMMC 5.1 जो कि थोड़ी बुरी खबर है। लेकिन अगेन काम तो आपका चल जाएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये लेटेस्ट हाई एंड स्टोरेज नहीं है। EMMC अब पुरानी हो चुकी है और ज़्यादातर सस्ते फ़ोन में आपको EMMC 5.1 मिलती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की और वो है रैम। तो यानी कि अगर आपके फ़ोन में DDR3 रैम है तो यानी कि वो सबसे स्लो है, यानी कि वो सबसे स्लो है और उस केस में आपका फ़ोन स्लो ही रहेगा। चाहे आपको 6GB रैम भी दे दिया तब भी आपका फ़ोन स्लो ही रहेगा क्योंकि DDR3 रैम लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करती है और उस केस में डेटा वगैरह वो जो है इतने फास्ट ट्रांसफर नहीं कर सकती। जबकि DDR4 रैम अगर आपके फ़ोन में है तो यानी कि वो और भी बेहतर है और इसी में होती है DDR4X, वो और भी बेहतर होती है। और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में DDR4 या फिर DDR4X है यानी कि आपको अच्छी रैम मिल रही है जो कि करंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बढ़िया है। तो अगर आपको फ़ोन के अंदर DDR4 या DDR4X रैम मिले यानी कि आपका फ़ोन फास्ट रहेगा क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं, जब भी आप एप्लीकेशन वगैरह खोलेंगे तो वो भी आपका बेहतर होगा, यानी कि आपके फ़ोन में मल्टीटास्किंग फास्टर हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली चीज़ की और वो है वाईफाई की स्ट्रेंथ। तो अपने फ़ोन के वाईफाई की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए कि उसका वाईफाई रिसेप्शन कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसके लिए आप DevCheck वाली एप्लीकेशन अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप एक्चुअली में देख सकते हैं कि आपके वाईफाई की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। तो वहाँ पे एग्जैक्ट पैरामीटर्स में आपको वाईफाई की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, जिससे आपको ये भी मिल जाएगा कि आपके फ़ोन का वाईफाई कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है। ये नॉर्मली बहुत यूज़फुल रहेगा जब आप फ़ोन खरीदने वाले हैं, तो उस केस में फ़ोन खरीदने से पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप फ़ोन का परचेज बेहतर कर पाएंगे और अगर आपको वो फ़ोन पसंद है तो आप डेफिनेटली उसको ले लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है यहाँ पे HD स्ट्रीमिंग की। आज के समय में हम सभी लोग जो है मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, कंटेंट को स्ट्रीम करते हैं, तो इसमें भी सर्टिफिकेशन के लेवल होते हैं। और बहुत सारे फ़ोन जैसे कि ऐसे फ़ोन जो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी माने जाते हैं यानी कि Poco F1, यानी कि उसके अंदर जो एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं Wide Wine L1, उसका सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप DevCheck की एप्लीकेशन के अंदर अगेन ये बात भी पता लगा सकते हैं कि आपके फोन के अंदर जो सर्टिफिकेशन है वो कितना है। अगर वो L1 है तो यानी कि आपके फोन में आप HD वीडियो स्ट्रीम करके देख सकते हैं, यानी कि Netflix और Amazon से HD में कंटेंट स्ट्रीम करके देख सकते हैं। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में आपके फोन के अंदर वो सपोर्ट होना चाहिए L1 पे। अगर वो L3 है तो यानी कि आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। अगली चीज है वो है बैटरी के बारे में। जी हाँ, बैटरी के बारे में इतने सारे क्लेम्स हमें देखने को मिलते रहते हैं अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से कि भाई मेरे फोन में 5000 mAh बैटरी है, अब उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। उसके लिए भी अगेन ये एप्लीकेशन जो है DevCheck करके है, हम इस एप्लीकेशन को काफी समय से यूज कर रहे हैं अलग अलग स्मार्टफोन के रिव्यूज के अंदर, और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एग्जैक्ट कितनी बैटरी आपके फ़ोन के अंदर है वो पता चल जाती है और यहाँ पे वो पूरी mAh में उसको दिखा देता है। तो अगर 5000 mAh बोली है तो हो सकता है कि 4900 समथिंग हो, लेकिन अगर 5000 mAh बैटरी बोली है ब्रांड ने और फ़ोन के अंदर आपको आ रहा है 3500 mAh, तो यानी कि बड़ा झोल है। और वो झोल आपको पता चल सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, इस एप्लीकेशन को डाल के। तो कुछ इस तरह से आप पाँच अलग अलग चीज़ें अपने फ़ोन के बारे में पता कर सकते हैं, अपने फ़ोन का सच खुद जान सकते हैं इस वीडियो को देख के। और जो
हमने बताए हैं स्टेप्स उनको फॉलो करके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।